अरे बहुदा क्या कहा? वो है कहलिए जे बाबा आई भोरे भोरे। हाँ बाबा को तो काम है, समय हो और स्नान कर लो, भगवान को नाम जप लो और लीजिए आगे राघोपुर के नगरकट्टा पंडित जी, राघोपुर के नगरकट्टा पंडित जी के तरफ से 10 रुपया का पुरस्कार आए हैं। अच्छा जो बाबा भोरे भोरे आओ बाबा। हाँ और लगा थी खुशी रहो, हमारा चेला बना न लो। क्या तुम तो चेला बनना है तो? लेकिन सुनो आए? तुम लोग का चेला बनना भी ठीक ही नहीं होगा कल्ला, क्योंकि तुम बाल बच्चेदार होगा ना बाबा हो। रह दू गो तीन गो धिया पुता परिवार से छुट्टा छुट्टी हो गए। यह बताओ परिवार से छुट्टा छुट्टी हो गया और दो चार गो धिया पुता है, लेकिन फिर भी तो तुम्हारा धिया पुता तो है। धिया पुता है तो अब तेवलक हो गए छौरा सब, अपना कमाए खाए जुकुर हो गए केकरो गहूँ में आ चोरा लबे छे झार क तोरे। यह बताओ चोरा लाता है तो उसे क्या नाम पड़ता है? चोर चोर है? हम लोग संत है, समझ गए हो? तो देखो वह ने सोच लिए जे हम अगर तोरा जोड़े अगर हम चेला बन जबो तो धियो पुता के सुधार देबे। यह बात है तो ठीक है, तुम जब राम भजन जपने चाहोगे और तुम्हें याद हो जाएगा तो तुम बन सकते हो। बाबा हम तो कोई हालत में बनबे कल्ला जी, इतने न बकरी है रख लेना। हाँ रोज हमारा कहिए बकरी के पानी पियाब खूटा ठोक हम तबाह भेल छी। ये ऐसे ठीक है, ये बात है जो साधु होता है ना। हाँ हमारे कबीर दास को वाणी है जो जिस दरवाजे पर बकरी हो, समझ गयो, वह दरवाजे पर हमारे जो कबीर दास जी वहाँ पानी भी नहीं पीता है, क्या पैर कैसे रखेंगे, समझ गए? छुट्टा छुट्टी हो गया तू अपना पोसते हम ना पोसबे। अच्छा ठीक ठीक तो चलो तुरा भद्र में तैयार हो जाओ, मैं बोलता हूँ। श्री राम जी हरि रे बचवाए, राम जी हरि रे बचवा, राम जी हरि, श्री राम जी हरि मन से नाम दूसरा बलिया को भरी, राम जी हरि बोलो सिया राम जी हरी मन से कहा जे हमने याद कर लिया रे। तो ये है ना कल हो तारी मछली बेहूदा, तारी मछली कहा है एको घड़ी एको घड़ी गलता हो गए बाबा, आब न हो गलता नहीं गलती कहो है गलती भेल सिया राम जी हरी मन से चेला तो बन गेलियो। हाँ हाँ बिल्कुल सुना ऊ चेला ना का माटी के तर में माटी खाई छी से ना नहीं, हम तोरा जरे चेला आई चलते बन लियो। हाँ हाँ के बाबा जी यार के झोरा में बराबर बतस आया मकुरदाना रहै छ। बिल्कुल बिल्कुल आ मीठ खाए में हम हती एकदम चूटी लेखा। अच्छा ये चलते तोर चेला बन लियो। अरे बहुदा चैला कहता है चलिए तुमको हम धुनी रमाएंगे। क्या बिहान है एगो भंडार
हमारा गांव में अच्छा कथी कहे छे हेरमाथ पंडित के हाँ एगो गदा हार है से मर गेले रे हरम जादा हमने गधा को मर गया तो हम गधा को श्राद्ध कराते हैं बहुदा कोई मरे बाबा हमारा चूरा दही से काम है नहीं ओ नहीं देखियो तस्लीम चाहो है चल तो कुल्ला उल्ला को तैयार हथिन बे सुनो कबीर दास के उल्टा बानी अयगना सूखल घर में पानी समझ गया हमारा बानी ही उल्टा है समझ गया सुनेगा ध्यान से मेरे एक भजन और देता हूँ मैं कैसे बाबा लेट ना हो तो आरे तोहरा से राजी ना ए बलो बजी तोहरा से राजी ना ए तोहरा से राजी हमारा चीज चीज बनवा दो बोलो मजी तोहरा से राजी धरती के सारिया काच के लहंगा पानी के चोली सिलवा दो बोलो मजी पानी के चोली सिलवा दो धरती के सारिया चोली पानी के कहीं सियाई छाए यो दोसरा के दाना खाए गए तो बात बना कह खा ही ले छाए आदमी ए सुनो हम एकरा बतइयो अर्थ है इसको अर्थ समझ गया अर्थ हम अब जान बतबथियो एक नंबर पक्का परागी सात चौका आज तक ला कोई ले कह ना है हमरा तीन गो चीज मांगा बाद हो गुरु जी तोहरा से राज
तब हम पक्का चेला रहब। बहुत अच्छा है, लेकिन ये बताओ इसी जगह कुछ अनुभव आता है रे? हमारा वो है तया कान कहलिए हो। हाँ, बुझाई छे के नाच बच्चा या लेखा कोनो बच्चा कांता है नहीं लगता है महकाई छे ना। हाँ, उसको लगता है जैसे कुछ किसी जीव को हत्या करने से उसको खून पानी जो गिरता है तो वो गहम महक देता है कहीं दूर का। रुको, हम सूंघ का देखा थियो, हमर नाक 1 किलोमीटर के सुगंध ले लै छै जे कथि है न है बाबा। हां ठीक है, कह लो हो आसे पास में हो। आसे पास में है जरूर कोई लहास हो। बिल्कुल फिर से सुनियो। हां हां लहास के मोहक खोलो खोलो सझौ किए में कोई मार का फेंक गेले माछ यार लगै छै। ए शर्मा सझौ की भी नहीं, इसको सवेरे सवेरे मारा है, समझ दिया? भोरे 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 तीन को गेलै रे ओन्ने देखली रे पोखरिए ने जाय हो सकता है एक कोई में रह गए करिकबा मुरठा वाला। लेकिन यह बात है इसको प्राण जो है इसी जगह घूरी आ रहा है। हाँ इसी जगह है तो हम तो वही से नती मार देवे फंसा देवे के करा चल जावे। नहीं वही नहीं करना नहीं है। इस लड़का को जब हम महात्मा हूँ तब लड़का को कुछ अपने धर्म नहीं देंगे तो क्या कहेगा लोग? यह कलयुग में महात्मा होते हुए कोई धर्म नहीं करता है, महात्मा होते हुए पाप करता है। क्यों? 12 बरस तपस्या कर लो। क्यों नहीं? चलो इसको फूल में जलम दे देता हूँ। ठीक कलो हो ला बताइए निकालो जंतर द्वारा समझ गया। यह बच्चा न मरेगा कभी, मरले नहीं मरेगा क्योंकि यह बाला का आशीर्वाद है। यह फिर मनुष्य में अवतार होगा, यही लड़का उठ करके खड़ा होगा। एक दिन ऐसा समय आएगा यह फूल तोड़ते हैं इसको साथे साथ इसको माँ आएगी तो उसको गोद में जाएगा। अब हम चलते हैं, समझ गए? फूला बरिया है केतना दूर।
अरे तुमसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहूँ? ये देखते हो गुलाब का फूल है, तुमने सही पहचाना। द्वारपाल, अब ये सुबह का समय हो चला है, ये लो फूल तुम अपने हाथ में और सिपाही जी के साथ ले जाओ और अपना सुंदरबन बगीचा से इस फूल को जोड़ा लगा के आओ, क्योंकि माँ भगवती की मंदिर में हमें पूजा करना है। जाओ। फूल तुझे मालिक को कहना है कि इसको जोड़ा लगाना है, कैसे हो फूल तुझे जोड़े से काट लेती है। जोर से काटना तो नहीं है। अच्छा मैं देखता हूं। अरे चल ही मैं तोड़ता हूं। हेलो आओ फूला तोड़े
चलो तुम तोड़ के देखो। क्या हुआ? कपाट फूट गया, लाओ ना फूल तू। खराब ज्यादा का हमको तू मारता है रे बेहुदा। चलो हाँ हाँ चलो अरे खुश रहो, बोलो बात क्या है। लाओ फूल ले जाओ, मिला तो लाओ, मैं पूजा करके आता हूँ। कैसे रे फूल, कैसा है जो तुमसे नहीं टूटा? फूल में से सिपाही जी आप सभी फूल नहीं टूटा, वो कैसा फूल है चलिए तो मैं देखता हूँ। द्वारपाल, इसी फूल को जोड़ा लगने से हमारा पूजा सफल होगा। हाँ, मैं इसे तोड़ के ले चलता हूँ। अरे चल ही चल तेरे फूल, अरे सोना फूल सहरिया। Oh,
तोड़ता हूँ और इसे मैं माँ दुर्गा की मंदिर में ले चलता हूँ। आहो फूला लो रे या भाई हो सीता रे, ये सिपाही ठीक कहा था। हो पीता तू कि फूल में से आवाज हो गया है भगवान, इस फूल की आवाज ही बहुत बेहतर है। आवाज से हमें क्या मतलब है, चलिए मैं इसे तोड़ता हूं। अरे द्वारपाल कहां गया रे, द्वारपाल मालिक आ रही, लाओ फूल तोड़ ले लिया। द्वारपाल ये फूल हमसे भी नहीं टूटा, नहीं ऐसे करो, हमारे घर में छह रानी है, जाओ वो सब बिल्कुल सती ही सती है, हो सकता है वो छह में से किसी से भी फूल टूट सकता है, बुलाओ वो कहा है सबको बुलाओ। बहुदा जब तक स्नान नहीं करेगी तब तक माथा कैसे बांधेगी रे, देखियो मेला ठेलाई का माथा कान बांधवे लगल छै जानी जा। चलो और का है सबको बुलाओ। महारानी आज बहुत गर्व की बात है, ये सुबह का समय है, जाओ अपने सुंदर वन बगीचा में और जो फूल मैं देता हूँ उस फूल को तुम जोड़ा लगा के आओ ताकि मैं माँ दुर्गा की पूजा करने जाऊंगा। द्वारपाल लाओ रे, कहाँ फूल है रे, लाओ फूल का है लाओ, ये लो इसी फूल को जोड़ी लगा के तुम सबको आना है। आज तुम छओ में से जिससे फूल टूटा उसे मैं ज्यादा मान आदर करूंगा, धरो जाओ सब के सब फूल तोड़ने बगीचा में। चलो जाओ ये तुरंत है ना कि फूल के तोड़ लो, थोड़ा बढ़िया ना हिनका
कपार पटकते पटकते फोड़ ले धोल धाल मसूरी के दाल जाओ अपने से बस तुर देते आहो फूल दो रे या भाई हो सितारा मैया के सौती मियां भीतर के मैल हिनका हम तो आकाश लग गया तुम्हें क्या कर सकते आकाश लग गया आए अपने पता लेने रह गए बढ़े कमल की नित अरे फूल तो रे या भाई हो सितारा मैया के
पिछुल गेला जाओ हे सात जथी के खा क आ बीबी चलन हज करे पूरा राज बला मार के घोट गेल खिना चलक में सतवर्ती बने हम त कहली हमरे से नहीं टूटलै त हम नहीं रहिए त नहीं टूटलै सब के सब सतभतरी हती है चल के करे से न टूटत मालिक क्या हुआ फूल लाया कोई रानी से ना फूल टूटल क्या ये छह छह महारानी है उसमें किसी से नहीं टूटा कोई से ना द्वार पाओ एक बात कर बॉय लेकिन हमें तो फूल की जरूरी है तो एक कमांड कर बॉय उपाय अति कैद खाना में जे रही है पंडित के सही कहा जिस पंडित को हमने कैद खाना में बंद करके रखवाया था जाओ उस पंडित को बुलाओ और मैं उससे पूछता हूँ कि ये फूल में क्या राज है जो फूल किसी से नहीं टूट रहा है लेकिन हमें फूल चाहिए बुलाओ जल्द बुलाओ पंडित जी महाराज आप मुझे अभी तत्काल एक शब्द समझाइए एक हमारे सुंदर वन बगीचा में सुंदर सा फूल है उस फूल को तोड़ने मैं गया हमारा सिपाही नौकर उससे भी फूल नहीं टूटा यहाँ तक कि हमें महल के अंदर छह छह रानी है उससे भी फूल नहीं टूटा आप जरा अपना पत्रा को खोलिए और मुझे बताइए कि इसमें क्या राज है पत्रा तो हम देख रखा है क्या पत्रा देख रखे है छह रानी से नहीं टूटा नयाब से टूटा किसी से भी नहीं टूटा लेकिन हमें फूल चाहिए ये फूल जो है आपको सातवा शादी किया था सातवा शादी हाँ मैं तो सातवा शादी किया था वह महारानी से फूल टूट सकता है और कोई से नहीं टूटा पागल पंडित द्वारपाल ये साथ पगला गया पंडित जिस महारानी को मैंने 12 बरस पहले ये कौवा हाँकने के लिए बिना दाना पानी को भेजा था अभी तक जीवित रहेगा ए पंडित वो तो कब को मर गई होगी महाराज अभी जिंदा है वो क्या अभी जिंदा है हाँ अपना मंत्री के बुलाओ मंत्री के भेजो आखिर वो महारानी जिंदा है सुंदरबन फुलवारी में क्या उसका अब बताइए तुम झूठ बोलता है ना और कुत्ता काटेगा तुमको मंत्री के बुलाओ ना मंत्री जाएगा अभी जीवित है पंडित जी ये बताइए क्या हमारी छोटी रानी अभी तक जीवित है हाँ हाँ जीवित है लेकिन जुल्म की बात है मैं ना उसे खाना दिया ना पानी दिया आज तक जीवित कैसे है महाराज जुल्मी सिंह सिपाही जो आपको है उसको खाना पानी पहुंचाता था फुलवारी में ओ हमसे चोरी चोरी भोजन पहुंचाता था आने दीजिए सिपाही को है कहा सिपाही जी ये पंडित जी को कहना है जहां से हम आप आए थे फूल तोड़ने गए थे फूल तो नहीं टूटा कोई महारानी से भी नहीं टूटा लेकिन इनको कहना है कि आपकी महारानी जीवित है छोटी रानी आप बता सकते हैं हमारी रानी छोटी जीवित है क्या जीवित है उसे जीवित कैसे रह गया
उसको जीवित मैंने रखा है। क्या आप उसे जीवित करके रखे हैं? हाँ सिपाही जी, अगर आपने उसे जीवित करके रखे हैं तो जाइए सुंदर वन बगीचा में, और अभी मैं छोटी महारानी को शक्ल देखना चाहता हूँ, और ये पंडित को कहना है कि ये फूल उसी से टूटेगा। जाइए, क्योंकि सुबह हो जाएगा तो पूजा में मुझे डिस्टर्ब होगा, इसलिए मुझे फूल चाहिए। चल छोटी रानी को खोज के लाइए। ठीक है।
से मैं कुछ नहीं बिगाड़ी, नहीं के लिए मेरी जरूरत हो गया है। मेरे साथ चलो, आई सब हटाओ महारानी। मैं कहा जाऊं? नहीं चलो ना, क्योंकि आप ही को लिए मैं संसार में भी जीता हूं महारानी। ये सब हटाओ ना, चलिए मेरे साथ चलो। मेरे घर चल सकते हो? ठीक है, लेकिन ये सब ना हटा। ठीक है, चलो मेरे साथ चलो, मेरे बात मानो, क्योंकि आपको शादी मैं ही कराया। यह जंगल में कौआ उड़ाने के लिए और मैं पानी भोजन आकर के पहुंचा रहे थे, जो बचे मेरी महारानी, छोटी महारानी बचे रहे, इसलिए कुछ नहीं होने देगा। यदि तुम्हारा कुछ होगा
तो मैं अपने जान को लिए हाजिर हूँ, मेरे साथ चलिए। ठीक चलिए।